नंबर कौन सा चलेगा अभी? हाथ पांव फूल जाना, आंधी के आम होना है ना। बहुत सस्ते में कोई चीज मिलना, ये दिख रहा है ना बेटा, विजिबल है सबके लिए। बहुत सस्ते में कोई चीज मिलना, नीचे लिखेंगे वाक्य में प्रयोग। मैं कक्षा 12th में उत्तीर्ण ही हुआ था। ताकि अगले वर्ष मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। यह तो आंधी के आम होना जैसी बात हो गई। नेक्स्ट लिख लो, हवा से बातें करना। बहुत तेज गति से चलना, वाक्य में प्रयोग शायद यहां आएगा नहीं, आगे लिखेंगे। आप लिख लो पहले एक बार ये। हाँ बेटा, इसका वाक्य में प्रयोग देखेंगे। आजकल के बच्चे वाहन पर बैठते ही हवा से बातें करने लग जाते हैं। आजकल के बच्चे वाहन पर बैठते ही हवा से बातें करने लग जाते हैं, मतलब बहुत तेज चलाते हैं। नेक्स्ट नंबर 52 या 3। हाँ, हाथ मुड़ते रह जाना लिखेंगे। हाथ मलते रह जाना, खाली हाथ रह जाना, खाली हाथ
अफसोस करना, ये भी लिख लो, खाली हाथ रहने पर अफसोस करना या पछताना। मैं इसका वाक्य में प्रयोग लिखेंगे, लालची व्यक्ति को अत्यधिक धन पाने के लालच में थोड़ा भी नहीं मिला, और वह हाथ मलते रह गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, नंबर 54। पहले अंगूठा दिखाना लिखवा देते हैं, 54 ही है ना? Yes, sir. अच्छा, इसका गेस करो क्या हो सकता है। Sir. हाँ बता बेटा, साफ साफ मना करना, ये अच्छा है, साफ साफ मना करना ही लिख लो। वाक्य में प्रयोग लिखेंगे, मैं उसके पास अपने पैसे मांगने गया था, लेकिन उसने अंगूठा दिखा दिया। रुको बेटा एक बार, दाल ना गलना, ये लिख लो। वो नहीं कहते कि अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, इसका मतलब होता है चतुराई ना चलना। नहीं भाई, अब तक जो बुद्धिमानी दिखा रहे थे ना, अब नहीं चलेगी, चतुराई ना चलना, या फिर चालाकी ना चलना, दोनों सेंस में आप लिख सकते हो। वाक्य में प्रयोग, अब मैं समझदार हो गया हूं, अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी।
नेक्स्ट लिखेंगे बेटा नंबर 56। आराध्या कौन सा बता रहे थे आप अभी? टीडी, हाँ वो लिख लो एक बार, टेढ़ी खीर होना। कठिन कार्य, वाक्य में प्रयोग, कल्पना के लिए, या फिर इसको ऐसे मत लिखो, एक सेकेंड होल्ड। भारी संदूक उठाना, कल्पना के लिए टेढ़ी खीर है। कल्पना यहां एक लड़की का नाम है, इमेजिन वाला कल्पना मत समझ लेना। भारी संदूक उठाना कल्पना के लिए टेढ़ी खीर है। नंबर 57 है, दाल में कुछ काला होना, नहीं हुआ ना? अच्छा, इसका कोई अर्थ अगर गैस कर सकता है तो बताओ। माही बता देगी। समझा ना मत, सीधा मेरे को गैस करके बताओ। यस, हाँ, दाल में कुछ काला होने का सीधा अर्थ होता है किसी पर संदेह करना, बस। यस यू कैन। संदेह और शक एक ही बात है। कहते नहीं हम दाल में जरूर कुछ काला है, तो इसी सेंस में इसीलिए कहते हैं किसी पर शक है तो बोलेंगे। आयु सुबह से मुझे मुझसे बहुत झूठ बोल रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। नेक्स्ट होगा कौन सा था अभी? नंबर बताओ एक बार। अच्छा, इसका गैस करो कौन बता सकता है? ईद का चांद होना। मोहम्मद तू बता भाई, तुझे अंदाजा होना चाहिए। ईद का चांद को अगर तू जोड़ेगा ना तो अंदाजा लगा पाएगा, पता? चल नहीं, चल तू बता रहा हर्ष। नहीं नहीं बेटा, ये देख भाई, ईद का चांद जो है वो बहुत दिनों में दिखाई देता है ना, तो इसका सीधा अर्थ होगा, बैठ जाओ, उससे जोड़ के याद करना, बहुत दिनों में दिखाई देना। हाँ, बहुत दिनों में दिखाई देना है, बहुत कम दिखाई देना। या फिर इसका आप दूसरा ये लिख सकते हो, या विशेष होना। हाँ ये अच्छा है भाई, ऐसे नॉर्मली तो चांद खूब देखते हैं हम, लेकिन ईद के चांद की बात हुई है तो इसका मतलब कोई विशेष होगा। तो इसका वाक्य में प्रयोग लिखेंगे,
नहीं बेटा, जैसा लिख रहा हूं वैसा लिखते जाओ, जहां मुझे कंफ्यूजन होगा ना बता दूंगा कि ये मुझे ढंग से आता नहीं है, चिंता मत करो। मेरा दोस्त अनिकेत कभी कभी मिलता है, मेरा दोस्त अनिकेत कभी कभी ही मिलता है, आजकल वो ईद का चांद हो रखा है, नेक्स्ट 59 कौन सा रह रहा था बेटा, और नहीं नहीं वो डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना वो वाला रह रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ये आपने सुना भी नहीं होगा, थोड़ा सा अलग सा है, आ जाए तो कहीं मिस नहीं हो जाए। सबसे अलग राय होना, वाक्य में प्रयोग, सब बच्चे खेलने का कह रहे थे, केवल आराध्या ही पढ़ाई करने के लिए बोल रही थी। ये ऊपर लिखेंगे सेकंड लाइन बेटा, आप यहां तक लिख लो, इसकी सेकंड लाइन मुझे याद दिलाना, आराध्या पे छोड़ा है, उससे आगे की लाइन ऊपर लिखेंगे। हाँ बेटा, केवल आराध्या उसके बाद आगे, पढ़ाई के लिए बोल रही थी। आराध्या डेढ़ चावल से खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रही है। नंबर 60 टोपी उछालना, क्या हो सकता है टोपी उछालना का, अपमान करना। अरे किसने बोला, क्या बात है, अच्छा मैंने पहले भी बता दिया था क्या, हाँ अपमान करना। तोते ने बुरे काम करके दादाजी की टोपी उछाल दी, और कोई मुहावरा बच रहा है क्या, मजाक उड़ाना वो तो सिंपल है बेटा, पोते ने बुरे काम करके दादाजी की टोपी उछाल दी, ये लिखो। इसके बाद एक और लिख लेते हैं, अच्छा एक चीज बेटा, एक चीज ध्यान रखना, मुझे लगता है आपको मैंने जो अंगूठा दिखाना लिखा है ना उसमें छोटे ओ की मात्रा है, चेक करो एक बार,
अगर बड़े ओ की है तो ठीक है, नहीं है तो करेक्ट करो उसको, करेक्ट करो। अंगूठा दिखाने में, अरे वाह भाई मेरे से ज्यादा होशियार हो गए, वो रनिंग में मुझसे शायद गलती हुई है, आप उसको सही कर लेना। बेटा एक बार ये मैं इसको इरेज करूंगा या फिर अगला पेज कर रहा हूं, एक मुझे मुहावरा याद आ रहा है वो भी लिखवा देता हूं मैं। नंबर 61 है ना आपके डेस्क वर्क में, उदाहरण के लिए दे रखा है ये टूट पड़ना, क्या अर्थ हो सकता है बताओ? गैस करो, देखिए कृदय, झपटा मारना तो इतना नहीं, वो तो फिर अलग से हो गया ना बेटा, झपट पड़ना तो बेटा नहीं। चलो मैं लिखवाता हूं, अचानक से किसी पर जोरदार हमला करना, आज का तो पीरियड ओवर हो गया, पूछने का टाइम तो शायद है नहीं। इसमें लिखेंगे महाराणा प्रताप की सेना मुगल सेना पर टूट पड़ी। देखो बेटा अपन ने मैक्सिमम कोशिश करी है कि सारे मुहावरे कर लें इंपॉर्टेंट, तो आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी है कि यहां से आ जाएंगे। महाराणा प्रताप की सेना मुगल सेना पर टूट पड़ी। तो आज ये मुहावरों का जो वीडियो है अपना, ये टॉपिक कंप्लीट होता है।